बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई वेरी वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फिफ्थ टू आर दिस मैथमेटिक्स पीरियड फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई वर्चुअल क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फ्रैक्शन एंड इन फ्रैक्शन वी आर टुडे ऑब्जर्विंग अबाउट एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो बच्चों, आज के सेशन में हम कसर में बात करेंगे, हम नसब कसरों की जमा और हम नसब कसरों की तफरीक के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम इसकी। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन यानी हम नसब कसरों की जमा। While adding like fraction, add the numerator and write the denominator as it is. So यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कि हम नसब कसरों की जमा करते वक्त कसरों के शुमार कुंदा की जमा करते हैं और इन कसरों का नसब नुमा जमा के नीचे नसब नुमा की जगह पर जैसा का वैसा ही हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, इससे ये बात आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो हेयर इज एग्जांपल फॉर यू। 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स एंड वी आर सपोज टू डू द एडिशन हेयर ऑफ दिस फ्रैक्शन। सो 1/7 plus 2/7 plus 3/7 is there. So यहाँ पर जो बात बताई गई है उसे हमें ध्यान में रखना है। क्या करना है, हम नसब कसरों की जमा करते वक्त कसरों के शुमार कुंदा की जमा करते हैं। ठीक है, और इन कसरों का नसब नुमा जमा के नीचे नसब नुमा की जगह पर जैसा के वैसा ही हमें लिखना होता है। ठीक है, ये बात हमें याद रखना है। तो हम यहाँ पर करते हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1/2 + 3/7। ओके, सो 1/2 + 3/3 + 3 = 6, so 6/7 इज द आंसर। सो सिमिलरली वी आर गोइंग टू सी अनदर एग्जाम्पल। सो वन एग्जाम्पल इज ऑन योर स्क्रीन, 3/8 and 5/8. Okay, these are the questions. 3/8 and 5/8. Okay, now we are supposed to do the addition here. So यहाँ पर आप देख सकते हैं नसब नुमा हमने यहाँ पर जो है तो 8 लिखा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हम नसब है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर 8 नसब नुमा यहाँ पर हमने लिखा है। अब ऊपर की हमें यहाँ पर एडिशन करना है, यानी 5 + 4, 5 + 3 या 3 + 5 = 8। ओके, सो यहाँ पर इस तरह से हमें याद रखना है बच्चों कि एडिशन किस तरह से हम करते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर का एडिशन हमने किया और डिनोमिनेटर आप देखेंगे सिमिलर है, तो हमने यहाँ पर एक ही जो है तो डिनोमिनेटर यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इस तरह से कसरों में इस तरह के जो फ्रैक्शंस होते हैं उसमें हम अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लाइक फ्रैक्शंस है तो इसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर न्यूमरेटर का जो है तो इस तरह से एडिशन करते हैं और डिनोमिनेटर को एज इट इज हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, याद रखना है हमें इसे। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है आपको, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, 8/8 = 8/8 = 1/1 है ना।
ठीक है, इज इक्वल टू वन। ये बात हमको मालूम है ना, आठ को अगर हम आठ से तकसीम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हमें याद रखना है कि इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आर सेम, द वैल्यू ऑफ दैट फ्रैक्शन इज वन। ठीक है, क्या याद रखना है हमें यहाँ पर, हमें याद रखना है कि किसी कसर के शुमार कुंदा और नसब नुमा मसावी हो तो इस कसर की कीमत कितनी होती है, इस कसर की कीमत एक होती है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा 8/8, और यहाँ पे हमने आपको सॉल्व भी करके बताया हाउ इट विल बी, हाउ द आंसर विल बी वन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 is divided by 8, so 1 will be the answer, 8 is divided by 8, so answer will be 1, and 1 is after all 1. Okay, so like this we can do the addition of these like fractions. So here is the problem, set 20 on your screen, and we are supposed to do the addition here. So first question is on your screen, 1/5 + 3/5. So 5 is the denominator, and you are looking that they are the same denominator. So we are supposed to take here 5 and do the addition of 1 + 3. So 1 + 3 = 4. So 4/5 will be the answer. Okay. So now in the second question, second question is here, 2/7 + 4/7. Okay, so what we are supposed to do here, we are supposed to do the numerator's addition. So 2 + 4 = 6/7. Okay, so 7 is here, so 6/7 is the answer here. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें याद रखना है एक बात, वाइल एडिंग लाइक फ्रैक्शन एड द न्यूमरेटर एंड राइट द डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, एवरी टाइम आपको इसी बात को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर का हम एडिशन कर रहे हैं एवरी टाइम। यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूमरेटर कितना है, 7 है, यहाँ पर कितना है, 2 है। तो वी आर सपोज टू डू द एडिशन ऑफ दिस न्यूमरेटर, और we are supposed to write numerator denominator, okay, as it is. So just similarly we have done here, 7 + 2/12, so 9/12 will be the answer here. Okay, like this we can do the additions. Here's another question, question number 3 is on your screen, 7/12 + 2/9 is here. So while doing the addition, we are supposed to do the addition of 7 + 2. So 2 + 7/9 will be the step here, and afterwards we are supposed to do the addition of 2 + 7 will be 9. So 9/9 will be the answer. ठीक है, इस तरह से. So while we are looking on 9/9, the similar number is in numerator and denominator. So what we are supposed to understand here, just we talked about this one. If the numerator and denominator of the fraction are the same, the value of that fraction is 1. So, यहाँ पर हम इस तरह से इसे डायरेक्ट भी यहाँ की ही हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसे मजीद आगे समझ लेते हैं। वो 9/9 को हमने यहाँ पर किया, सो 9 is divided by 9/9 is divided by 9, सो यू विल सी हियर 1/1, ओके, सो इट इज 1. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक ही मिलता है ना, 9 ones are 9, so 1/1 will be the answer. So 1 is the answer here, like this. ठीक है, इस तरह से.
अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है 3/15 एंड 4/15, सो 3+4 7 है ना, 3+4/15, सो 3+4 विल बी 7/15, ओके लाइक दिस। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2/7 + 1/7, सो 3/7 इज द आंसर हियर, ओके। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं सवाल किस तरह का है, थोड़ा सा इसे देख लीजिए। हम यहाँ पर सवाल क्या है, सवाल दिया हुआ है तो इसमें हमने यहाँ पर क्या करना है, एडिशन करना है। किस किस का एडिशन किया है हमने यहाँ पर, इसका एडिशन यहाँ पर 2/7, 1/7 और 3/7। सो हमने यहाँ पर जितने न्यूमरेटर है वो एक साथ लिख लिया है ना, यहाँ पर 1, 2+1+3/7, ओके। सो 1+2, 3, 3+3, 6, 6/7, ओके लाइक दिस वी कैन राइट द आंसर हियर, 6/7, ओके। सो लाइक दिस वी कैन डू मेनी क्वेश्चंस। हियर इज अनदर क्वेश्चन, 2/10, 7th क्वेश्चन दिस वन, 2/10 + 4/10 + 3/10, ओके। सो सिमिलरली वी आर सपोज टू डू द एडिशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर आर 2+4+3, ओके, 2+4 6, 6+3 9, ओके, 9/10 लाइक दिस। इस तरह से हम इसके जवाब अखज कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर हमने लिया 4/9 + 1/9, ओके। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4+1 विल बी 5/9, सो 5/9 विल बी द आंसर हियर, ठीक है। तो ये 8वां क्वेश्चन था बच्चों इस एक्सरसाइज का। 9वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 5/8 + 3/8, ठीक है। सो 5/8 प्लस 3/8 मीन्स 5+3/8, ओके। सो 8/8 विल बी द आंसर हियर, सो 8/8 यहां पर आ गया। तो अब ये क्या हो गया, सिमिलर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो हमें यहाँ पर सिमिलरली जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया था, 8/8 = 8/8 = 1/1, ओके। ये मालूम है ना आपको ये सब क्या यहाँ पर जो है, तो हमें 8 ones are 8 यानी 1/1 यहाँ पर मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर 1 मिलेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे बच्चों एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 20 से, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ इबारती सवाल देख लेते हैं जो इसी तरह से है। यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मदर बॉट 1 guava, शी गेव 3/8 part ऑफ द guava टू मीना एंड 2/8 part ऑफ द guava टू गीता, व्हाट पार्ट ऑफ guava डिड She gave them together. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों सवाल क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि इन्होंने जो है तो एक यहाँ पर माने अमरूद लाया और इसमें से 3/8 हिस्सा जो है तो उन्होंने मीना को दिया, ठीक है, और 8/2 हिस्सा जो है तो उन्होंने किसको दिया, गीता को दिया, ठीक है। तो उन्होंने दोनों को मिलाकर कितना हिस्सा दिया है ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एडिशन कर लेते हैं 3/8 and 2/8 का, ठीक है। हमें ये बात समझ में आ रही है कि उन्होंने इक्वल पार्ट किया था, है ना, यानी 8 part किया है और 8 part में से 3 part इसको दिया और 2 part इसको दिया, है ना, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि टोटल पार्ट कितने दिया है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो 3/8 + 2/8 इस तरह से हमने इसे यहाँ पर स्टेप बनाया, यहाँ पर
ठीक है, तो आप देखेंगे 3 प्लस 2 अपॉन 8, इस तरह से हम देखेंगे इसे. सो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, और 8 एज इट इज हम लिखेंगे, तो 5 अपॉन 8 इज द आंसर. सो शी गेव टुगेदर 5 अपॉन 8 पार्ट ऑफ गोवा टू देम. इस तरह से हमें ये बात समझ में आती कि माँ ने जो है तो दोनों को कुल मिलाकर जो है तो 5/8 हिस्सा दिया है. इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है. ठीक है, इसी तरह से अब हम यहाँ पर जो है तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों. स्क्रीन पर आपके द गर्ल्स ऑफ स्टैंडर्ड 5th क्लीन्ड 3/4 ऑफ द फील्ड व्हाइल द बॉयज क्लीन्ड 1/4. व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड वॉज क्लीन्ड टुगेदर. ठीक है, तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर सवाल में क्या दिया हुआ है. सवाल में दिया हुआ है यहाँ पर के जो एक मैदान है और उसकी सफाई जो है तो यहाँ पर की गई है ना. एक मैदान का जो है तो 3/4 हिस्सा पांचवी के तलबा ने और 1/4 हिस्सा चौथी के तलबा ने साफ किया, तब इस मैदान का कितना हिस्सा साफ हुआ ये हमें बताना है यहाँ पर. ठीक है, तो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं दिया हुआ 3/4 एंड 1/4. ठीक है, तो हमने यहाँ पर एडिशन किया है 1/4 प्लस 3/4 का, तो आप देखेंगे यहाँ पर मिलेगा हमें 3 प्लस 1/4. सो 4/4 विल बी द आंसर. ठीक है, तो शेयर यहाँ पर हमें इस तरह से समझ में आता है कि ये जो मैदान है ये है ऑल टुगेदर द इंटायर फील्ड वॉज क्लीन्ड. कितना हुई है क्लीन 4/4, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा, है ना. तो इस तरह से हमें ये बात समझ में आती है कि ये मैदान जो है तो पूरा साफ हो गया है. इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है. ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है कि ऑल टूगेदर द इंटायर फील्ड वॉज क्लीन्ड, यानी कि इससे बात समझ में आ रही है कि ये पूरा मैदान जो है तो 4/4 हिस्सा जो इसका था वो पूरा साफ हुआ है, है ना. स्टैंडर्ड 5th के बच्चों ने कितना किया है 3/4 किया है ना गर्ल्स ने, और जबकि बॉयज ने कितना किया है 1/4 हिस्सा किया है, यानी टोटल जो ग्राउंड था पूरा ग्राउंड जो है तो साफ हो गया. इससे बात हमारे समझ में आती है. ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है तो बच्चों मजीद आगे सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं. तो सब्सट्रैक्शन के एग्जाम्पल हमारे स्क्रीन पर है. ठीक है, क्या ध्यान में रखना है हमें यहाँ पर जब सब्सट्रैक्शन हम करेंगे तो हमें यहाँ पर याद रखना है बोथ द फ्रैक्शन हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्क्रीन पर नजर आने वाली आपको फ्रैक्शन है इसमें 11 दोनों के भी डिनोमिनेटर्स है. सब्सट्रैक्ट देयर न्यूमरेटर्स एंड राइट द कॉमन डिनोमिनेटर इन द डिनोमिनेटर्स और द डिफरेंस. तो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कि बोथ द फ्रैक्शंस हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर, सब्सट्रैक्ट देयर न्यूमरेटर एंड राइट द कॉमन डिनोमिनेटर इन द डिनोमिनेटर ऑफ द डिफरेंस. ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है. ठीक है, तो यहाँ हमने जैसा एडिशन किया सेम वैसा ही पार्ट है ये. ठीक है बच्चों, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 7/11 माइनस 4/11 इज इक्वल टू 7/4/11. सो 7-4 विल बी आंसर विल बी 3. 3/11 इज द आंसर हियर. ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम यहाँ पर हम नसब कसरों की तफरीक सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन किस तरह से करते हैं ये हमें यहाँ पर समझ में आया है. ठीक है बच्चों, तो जैसा उसूल हमने यहाँ पर अभी देखा था सिमिलर जमा का उसूल जैसा था वैसे ही तफरीक का उसूल भी है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है इन दोनों कसरों के नसब नुमा अगर हम देख रहे हैं तो दोनों कसरों के नसब नुमा यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहे हैं 11 नजर आ रहे हैं ना. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर दोनों इन दोनों कसरों के नसब नुमा यकसा है, इसलिए जमा की तरह यहाँ भी शुमार कुंडा की तफरीक करेंगे और तफरीक के नसब नुमा की जगह पर कसरों का नसब नुमा वैसे के वैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे. ठीक है,
both the fraction have a common denominator, subtract their numerator and write the common denominator in the denominator of the difference. ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. 2/8 part of the cake was given to Lena and 3/8 part to Latika. So how much less part of the cake did Lena get? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है सवाल किस तरह का है कि एक केक का हिस्सा किया गया है और 3/8 हिस्सा, इसी तरह से 5/8 हिस्सा जो है तो बांटा गया. तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो लीना को जो पार्ट दिया गया है वो कितना दिया गया, वो हमें यहाँ पर देखना है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा टू फाइंड हाउ मच लेस पार्ट डिड लीना गेट वी हैव टू कैरी आउट सब्सट्रैक्शन. ठीक है, ये मालूम करने के लिए हमें कि लीना को कितना कम मिला है हिस्सा केक का, उसके लिए हमें यहाँ पर तफरीक करनी होगी. ओके, माइनस करना होगा हमें यहाँ पर. तो इसके लिए हमने यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं 3/8 माइनस 2/8 लिया इस तरह से. तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 माइनस 2 किया हमने अपॉन 8, तो आप देखेंगे 1/8 विल बी द आंसर. तो इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है कि लीना गॉट 1/8 पार्ट लेस ऑफ केक. ठीक है, तो हमें ये बात समझ में आती है कि लीना को जो है तो 1/8 हिस्सा यहाँ पर कम मिला है इस तरह से. ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है बच्चों, हम बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 21 लेते हैं हम. यहाँ पर 21 से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं. स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सवाल दिया हुआ है 5/7 माइनस 1/7. सो 5 माइनस 1/12, सो 4/7 विल बी द आंसर हियर. ओके, तो इस तरह से बच्चों हम आसानी से तमाम सवाल यही पैटर्न पे हल करते हुए चलेंगे. 5/8 माइनस 3/8, सो 5 माइनस 3/8 विल बी द स्टेप हियर. एंड आफ्टर डूइंग द सब्सट्रैक्शन 5 माइनस 3 आंसर विल बी 2/8 लाइक दिस. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम यहाँ पर सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ हम इस तरह के सवाल हल कर सकते हैं. 7/9 माइनस 2/9, सो इन द नेक्स्ट स्टेप 7 माइनस 2/9. ठीक है, सिमिलर डिनोमिनेटर है तो 9 को हमने वैसे लिखा, 7 माइनस 2 लिखा, 7 माइनस 2 किया तो कितना मिलेगा हमें, 5/9 मिलेगा. कितना, 5/9. ओके, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. 8/11 माइनस 5/11 दिया हुआ है. ठीक है, अब इसका हमें यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करना है. तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है. आप देखेंगे यहाँ पर कि 5 माइनस 8 माइनस 5 किया हमने तो यहाँ पर आप देखेंगे आंसर हमें कितना मिलेगा, 3/11. ओके, सो आप देखेंगे एवरी टाइम बच्चों काफी इजी क्वेश्चन है. 9/13 माइनस 4/13, सो द सिमिलर डिनोमिनेटर इज हेयर, सो वी आर सपोज टू राइट हेयर 9 माइनस 4/13. द आंसर विल बी 5/13. 9 माइनस 4 5, सो 5/13 इज द आंसर. एंड द लास्ट क्वेश्चन 7/10 माइनस 3/10, सो 7 माइनस 3/10 विल बी द आंसर हियर. सो लाइक दिस स्टूडेंट्स यू कैन डू मेनी क्वेश्चंस लाइक दिस पैटर्न. सो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में जो भी सवालात हमने आपको समझाए हैं, ये तमाम सवालात आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे. सेशन के बाद ये तमाम सवालात की आपको प्रैक्टिस करना है और खास तौर पर हम देख रहे हैं कि तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मजीद वीडियो मिलेंगे आपको. तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है. प्रैक्टिस सेट 20 और 21 जो हमने यहाँ पर आपको हल कराई है, ये तमाम सवालात आपको अपने तौर पर हल करना है. ठीक है,
तो आप कोशिश करें तमाम सवालात को हल करने के लिए. बेस्ट ऑफ लक. अस्सलाम वालेकुम. So students, there is some important questions in description box. So you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box. So kindly fill that form. तो बच्चों आपको session के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं उन्हें हल करना है और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसे आपको पुर करना है.